हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ गेट रेडी विद मी फॉर दिवाली। सुबह सुबह हुई है 10 बजे यहाँ पर, मैंने लग रहा कि मैं दोबारा तैयार हो पाऊँगी। अगर हो भी पाऊँगी तो थोड़ा इसको टचअप कर लेंगे। सो इस दिवाली के लिए मैं मेरा नेचुरल रेगुलर क्यूट मेकअप लुक ही तैयार करूँगी, जो कि ये है। और आज मैंने फाउंडेशन की वीडियो भी शूट की है, जो कि है बॉर्न दिस वे टू फेस फाउंडेशन। नया फाउंडेशन नहीं है, सर्दियों पुराना है, पर मैंने आपको तरीके बताए हैं कि कैसे आप अपने फेस को अपने लार्ज पोर्स को कम कर सकते हैं। आई होप आपने वो ऑलरेडी देख ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। अगर आप ये वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब बटन वहाँ पे है, उस पर क्लिक करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आपको बहुत प्यार दूंगी मैं। अगर नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हैं तब भी मैं आपको प्यार ही दूंगी, क्योंकि बहुत प्यारा इंसान हूँ मैं। कभी मैं किसी को नफरत नहीं देती हूँ। सो ये है इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। अगर आप मुझे किसी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं ना, वो भी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्कार। हेलो दोस्तों, तो आज दिवाली है, मैं सवेरे ही रेडी होना शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि आज मुझे 2-3 वीडियो शूट करनी है, तो मुझे लगता है कि मुझे दोबारा रेडी होने का समय नहीं मिलेगा। पर आज मैंने फाउंडेशन का रूटीन शूट किया है, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कैसे आप पोर्स को कम छोटा दिखा सकते हैं। और अब बारी आती है आई मेकअप की, तो उसके लिए मैं शूट नहीं करने वाली हूँ। मैंने सोचा मेरे व्लॉग में ऐड कर देती हूँ कि आजकल मैं कैसे मेरा आई मेकअप करती हूँ। सो मैं यूज़ करती हूँ मॉर्फी की पैलेट, ये है 25D। इसमें सारे वार्म शेड्स हैं और इनसे आप कोई लुक क्रिएट करें उसके बाद कोई शिमर शेड यूज़ कर सकते हैं। सो आप देखिए कि मैंने ये वाला कलर कितना यूज़ किया ना, तो इसी को करेंगे, क्योंकि इसकी ना जो अंडरटोन है वार्म, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो मैं मेरी आई के आउटर कॉर्नर में लगा के इसको क्रीज में ब्लेंड कर देती हूँ सर्कुलर मोशन में, एंड देन इनर आई कॉर्नर में, एंड देन इसी ब्रश के साथ मैं बाहर की तरफ ड्रैग कर देती हूँ, ऐसे जैसे स्वीप कर देती हूँ। इससे एक कैट आई इफेक्ट आ जाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स इट। इसी तरह इस तरफ करेंगे, और इसको आप कितना इंटेंस करना चाहते हैं और आई शेडो लेके या डार्कर लेके बिल्ड कर सकते हैं ना। ये मैं आंखें बंद करके भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेरी आंखों पर मैं यही वाला मेकअप करती हूँ। तो थोड़ा सा और बिल्ड कर देते हैं। इस बार पहनने के लिए ना मेरे पास नए कपड़े नहीं है, मुझे ज्यादा हर बार ही नहीं होते, क्योंकि मैं सूट खरीदती नहीं हूँ। सूट खरीदे मुझे सर्दियाँ हो चुकी हैं। सबसे जो लाइट शेड है उसे मैं मेरी फिंगर पे लेके बची हुई आई पे लगा लूंगी। इसी ब्रश से थोड़ा ब्लेंड कर देंगे। अगर आप इसको हाथ से फील कर पाए ना, ये कलर इतना बटरी स्मूद है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी है मॉर्फी के आई शेडोज की। ओके, मेरे ब्रशेस की लाइन से ये प्यारा सा ब्रश लेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे पास मेकअप ब्रशेस की एक प्यारा सा ब्रश किट है, जिसमें सारे ब्रशेज हैं जिससे आप पूरी आई लुक कर सकते हैं। उसमें ये प्यारा सा ब्रश है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मैं छोटे मोटे काम करती हूँ। और ये वाला शेड लूंगी मैं, एक्सेस को उतार के आई लाइनर जैसे लुक क्रिएट करूंगी, जैसे स्मोक लाइनर होता है। ब्राउन है ये, एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप लैशेज लगा लेते हैं या बाकी मेकअप कर लेते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। वंस ये कलर यहाँ पे लग गया, अब मैं इसे बाहर की तरफ भी थोड़ा ड्रैग करूंगी कि लाइनर जैसे लुक आए। इसको थोड़ा और डार्क कर देंगे, पर मैं काला रंग नहीं यूज करूंगी, मैं ब्राउन ही करूंगी। दिस इज डन। अब जो पहले मैंने ब्रश यूज किया था और पहले जो लाइट ब्राउन किया था ना, वही मैं थोड़ा हमारी लोअर लैशेस पे भी लगाऊंगी। अब क्या करेंगे, जिस डार्क शेड से मैंने ऊपर लाइनर क्रिएट किया, उसी से मैं नीचे भी करूंगी क्रिएट स्मोक लोअर लैश लाइन, वही सेम कलर के साथ। ये बर्नट ब्राउन किस्म का कलर है, जैसे कोक का कलर होता है। ये थोड़ा कूल टोन है, मुझे लग रहा है, इतना वार्म नहीं है। सो इन दोनों को मिला के ऊपर की तरफ लाइनर जैसा क्रिएट कर दूंगी मैं। इसको थोड़ा इंटेंस कर देंगे, आई डोंट केयर। सो दिस इज डन। बारी आती है मस्कारा लगाने की। लॉरियल का लैश पैराडाइज लगाऊंगी। मैंने नोटिस किया कि जो भी मैं मेकअप लुक करती हूँ ना, उसमें मैं ये लैश पैराडाइज को बोल देती हूँ मेबेलिन का लैश पैराडाइज, क्योंकि मुझे मेबेलिन का लैश सेंसेशनल बहुत अच्छा लगता है, एंड गलती हो जाती है मुझसे। तो ये लैश पैराडाइज फ्रॉम लॉरियल है, नॉट मेबेलिन। सो एक ही कोट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लैशेस लगानी है, तो फिर ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट। मैं इसलिए लगाती हूँ, लैशेस को लगाना आसान हो जाता है, दूजा वो एक दूसरे के साथ इजीली स्मज हो जाती है। लोअर लैशेस पे भी लगाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, से हमारी आईज ओपन एंड बड़ी लगती है। ओके, आईब्रोज मैंने बनाए नहीं है। अगर आप आईब्रो के बिना आई मेकअप करते हैं ना, तो अजीब लगता है, पूरा फिनिश नहीं आती है। स्पूली से आईब्रो बालों को ब्रश कर लेंगे एंड जल्दी से आईब्रोज को फिल करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, ये है दिवाली ट्यूटोरियल, दिवाली व्लॉग। पर यार, दिवाली में मैं कैसे तैयार हुई आपको बताती हूँ, पर मीनू पता नहीं है कि मेरे जो ये मेकअप है कैसा रहेगा, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं। एक तो मैंने दावत कुक करनी है, एंड दूजा मुझे क्लीनिंग भी करनी है थोड़ी मेरे घर की। क्लीनिंग नहीं, ऑर्गेनाइजिंग, काफी ज्यादा मैस है, क्योंकि कल संडे था तो लॉन्ड्री की मैस है, एंड या
पति की थोड़ी बहुत मदद लेंगे अगर वो घर पे होंगे तो, डोंट नो. सो इस तरह मेरे प्यारे आईब्रोज फिक्स हो चुके हैं और मैं आईब्रोज को कैसे ग्रूम करती हूँ अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना. मैं हमेशा घर पे करती हूँ, मैंने लगा 7-8 साल हो चुके हैं, उससे पहले भी मैं घर में करती थी. ओ अगर आप जानना चाहते मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, ये वेट एंड वाइल्ड की ब्रो पैलेट है. इसका शेड कौन सा है? डार्क ब्राउन है इसका शेड और काफी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये. कई बार ना मैं इसको भी एज अ लाइनर यूज कर लेती हूँ, इस ब्राउन को, काफी खूबसूरत ब्राउन है. सो अब ये जो बचा हुआ, अब ये आईब्रो ब्रश पे जो बचा हुआ प्रोडक्ट है ना उससे भी मैं लाइनर सा लगा लूंगी ताकि यहाँ पे थोड़ा क्लीन लगना शुरू हो जाएगा. गाइस कैन सी अच्छा है ये. मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में बताया था आपको कि मैं कौन से मैंने ना स्किन केयर 2-4 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं. एक्चुअली वो मैंने ऐड काफी समय पहले कर लिए थे पर मैं ना कंटिन्यूसली यूज नहीं करी थी, पर अब मैं काफी रिजिडली कंटिन्यूसली यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन इंप्रूव हो. सो जब आप कंटिन्यूसली कुछ करते हैं ना तो फिर वो काम कर भी जाता है. तो मुझे लग रहा है कि वो स्किन केयर मुझ पर काम कर रहा है, मेरी स्किन स्मूथ लग रही है एंड मेरे जो स्कार्स हैं पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपरपिगमेंटेशन है वो लाइट हुई है थोड़ी पहले के मुकाबले. आपके कंपैरिजन के लिए मैं पिक्चर्स छोड़ दूंगी अगर देखना चाहें तो. आईब्रोज हो चुके हैं, अब हम लगाएंगे ब्लश. के लिए मैं यूज करूंगी एल्फ का ऑलवेज रोजी एंड थोड़ा सा ब्लश करना बहुत जरूरी है, उससे आपके ना चेहरे में थोड़ी सी जान आंदी है, अदरवाइज बेचारा उदासी से भर जाता है. जान बहुत ज्यादा आ चुकी है एंड नहीं जानी चाहिए, तो फाउंडेशन ब्रश या पाउडर ब्रश से सेटल कर लेंगे. लिपस्टिक के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. लिपस्टिक के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन की स्टे इंक, सुपर स्टे इंक क्रियॉन. शेड का नाम है 15 लीड द वे. ये जो शार्लेट टिलबरी के पिलो टॉक का डूप है ना, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये शेड. इसके लिए मैं यूज करूंगी मिलानी का स्पाइस लाइनर. मुझे लगता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा एंड क्यूट सा लगता है. मिलानी के इस लिप लाइनर की क्वालिटी ना किसी हाई एंड लिप लाइनर के जैसी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत. मेरा ना कैमरे की आई थिंक बैटरी मेमोरी कार्ड फुल होने वाला है. ओके मेमोरी कार्ड को चेंज कर लिया है मैंने. गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल शेड. मुझे लगता है कि जब आपको सॉफ्ट फिनिश चाहिए या फिर आपने स्मोकी आई करके रखी है तो ये लिप शेड बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर से ट्राई करना है. इसकी फिनिश और इसकी क्वालिटी बिल्कुल हाई एंड के मुकाबले की है. सो लैशेस के लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल लैशेस. आपको पता ही होगा कि लैशेस है मेरे पास एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जो स्टाइल मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है गोवा और मेरी लैशेस को चीज़ लपदी रहनी है. मैं नीचे बैठ बैठ के ग्लू ढूंढ रही थी, मैंने सोचा कि टाइम क्यों ख़राब करना, कोई काम भी करते रहे साथ में. सो मेरी लैशेस को आप 25 प्लस टाइम पहन सकते हैं, बहुत अच्छी गुड क्वालिटी के लग्जरी लैशेस हैं ये. अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी के लैशेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना तो मेरी लैशेस के पेज को ज़रूर विजिट करें. जो स्टाइल आज मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है गोवा. सो गोवा को ग्लू लगा के रख देंगे क्योंकि लैशेस को लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि ग्लू आपका ड्राई होना चाहिए. अभी ड्राई कर देंगे तो नहीं लगेगा, टैकी होना चाहिए ताकि जब आप उसको आईज पे प्लेस करें ना तो वो स्टिक हो जाए. हम लोग ना जब काली मचा देते हैं कि वो जल्दी जल्दी कर लें तब लैशेस का पंगा खराब होता है. बहुत ज़्यादा लोग ना लैशेस को लगाने से इसीलिए डरते हैं कि ख़राब हो जाएंगी, बट अगर आप उनको ड्राई होने देना तो फिर ख़राब नहीं होती हैं. सो हम थोड़ा सा ग्लू को ड्राई होने देंगे. मैं क्या करती हूँ कि जब मैं ग्लू लगाती हूँ ना तो उसको रख के लिपस्टिक लगा लेती हूँ, तब तक वो हो जाता है टैकी टैकी. सो अगर आप नहीं रखना चाहते उनको तो आप हाथ में पकड़ के रखें और 35 सेकेंड्स दें, काउंट कर लें, देन यू आर गुड टू गो. सो मेबलिन का लिक्विड ब्राउन आई लाइनर लूँगी जो कि है मास्टर प्रिसाइज ऑल डे लिक्विड लाइनर. फॉरेस्ट ब्राउन है शेड का नाम और मैं इनर आई कॉर्नर में नियर टियर डक्ट एक विंग सा क्रिएट करूंगी जैसे अरेबिक आईज होती हैं, क्योंकि उससे ना आईज की शेप अच्छी लगती है. मुझे आप स्किप भी कर सकते हैं पर मुझे लगता है कि इंडियन आउटफिट के साथ ही अच्छा लगता है. और ब्राउन इसलिए क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट लगता है, अगर काला करेंगे तो बहुत इंटेंस लगेगा, फिर आप गलती नहीं कर सकते हैं. बहुत लाइटली करूंगी मैं, इतना कुछ नहीं पर उतना ही डिफरेंस क्रिएट कर देता, उतना पिद्दा सा स्टेप भी डिफरेंस क्रिएट कर देता. सो अब मेरी लैशेस काइंड ऑफ ड्राई हो चुकी होंगी, एक तो होगी. सो उसको लगा लेते हैं. ये जो स्टाइल गोवा है ना ये ड्रामेटिक एंड नेचुरल के बीच का है. अगर आपको इन मिड चाहिए समथिंग तो ये बहुत अच्छा स्टाइल है. सो रख दिया उसको हमने, अब हम कोनों को एडजस्ट कर देंगे. सो फिर मैं चेक कर लेती हूँ दोनों शीशों के साथ ऐसे कि हर जगह सही लगा कि नहीं, क्योंकि अभी ग्लू टैकी है और आप एडजस्ट कर सकते हैं. अगर एक बार सोख गया फिर गाइस चिड़िया खेत चुग जाती है. नहीं ये कहावत सुनिए, फॉर सम रीज़न मुझे कहावतें बहुत अच्छी लगती हैं, आई डोंट नो व्हाई, शायद क्योंकि मैं बहुत प्यारी हूँ इसलिए. सो जो लाइनर मैंने ब्राउन इनर आई में लगाया था ना उससे मैं एक विंग भी क्रिएट कर लूँगी ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लीन लुक आ जाए, क्लीन येट सॉफ्ट. सो इस तरह हमारा प्यारा दिवाली मेकअप रेडी है. क्यूट राइट?
अगर आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, ज्वेलरी ऐड करें, का थोड़े गहने गुने ऐड करें, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, राइट? सो इस क्यूट वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया दोस्तों. अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कंसिडर करना. मैं बहुत प्यारी वीडियोज़ बनाती हूँ और कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश में रहती हूँ. एवं रैंडम फालतू गला कट करती हूँ मैं, ओके कर देती हूँ समटाइम, बट मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ आपको मैं सिखा भी दूँ अगर मेनू जड़ी एक अद्धी चीज़ आती है. तो मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस अ ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. एंड हैप्पी दिवाली दोस्तों. उम्मीद है कि ये दिवाली आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगी और खुशियाँ ऑलरेडी घर में आ चुकी है.